ताहां मार मार के रो रही ए बेचारी मां इस वेले अजिहे सदमे च है जिसकी तकलीफ इस तो वध कोई होर नहीं समझ सकता। ते सड़क किनारे सिर फड़ी बैठे इस नौजवान उत्ते जो बीत रही है शायद इसका अंदाजा भी नहीं कोई लगा सकता। बस इन्हां दे दर्दां नूं महसूस किया जा सकता है। ये वीडियो उन्हां लोकां लई सबक है जो अपने खेत च पराली नूं अग लगाउंदे ने ते अपने छोटे बच्चियां नूं लाड प्यार च बुलेट अते होर मोटरसाइकिल लैके दिंदे ने। पहला जरा मौके उत्ते जो होया उस नूं इन्हां तस्वीरां जरिए समझण दी कोशिश करो। तस्वीरां देख ज्यादातर तुहानूं मामला समझ आ ही गया होना कि इस थां उत्ते कोई भयानक सड़की हादसा होया ते रोन करलाउण दीआं तस्वीरां भी उसे थां दीआं ने। असल च होया इह कि हरदेव सिंह वासी पिंड ईसेवाल ने अपने खेत जो जलंधर दे शाहकोट नेड़े मीरपुर सैदा अते निमासपुरी लिंक रोड उत्ते पैंदे ने झोना वड्डन उपरंत अग लगाई हुई सी। इस दौरान गुरजोत सिंह जोता वासी हेरा जो बलसिया दे एक प्राइवेट स्कूल दा विद्यार्थी है एक पासे तों अते दूजे पासे तों हरदेव सिंह वासी निमासपुर आ रहे सन। दोवां नूं झोने नूं लगाई अग तों बाद पैदा होए धुएं च एक दूजे दे आउण दा पता ही नहीं लग्या अते दोवां दी जबरदस्त टक्कर होई अते मौके ते ही मौत हो गई। इस तरह जी एक जिहड़े हरदीप सिंह हैगे ने जी वो अपने शाहकोट तो अपनी एक्टिवा से जा रहे थे जिन्हों की उम्र लगभग 60 साल है तो दूजे निमाजीपुर साइड तो जिहड़ा एक बच्चा जिहड़ा जी अपनी ट्यूशन पढ़ के गुरजोत सिंह जिहड़ा पुत्र सुरिंदर सिंह वासी हेरा वो ट्यूशन पढ़ के आ रहा है तो अगे थोड़ा जिहा एक जगह पराली नूं किसी ने अग ला के जिदा धुआं काफ़ी सीगा जिसके कारण लगता भी एक्सीडेंट होया। बाकी वेरीफाई कर रहे हैं जी तो जिहड़ियां दोनों की मौके पर टक्कर होने करके मौत हो गई है दोनों की तो असी डेड बॉडी जिहड़ियां ने हॉस्पिटल जमा करवातियां ने। उधर हुण पुलिस झोने की पराली नूं अग लगाउण वाले किसान खिलाफ भी परचा करन दी गल कह रही है। उन्होंने वारसां नूं बुला के जिहड़े उन्होंने बयान लिख के जिहड़ा अगला FIR जिहड़ी दर्ज की जा रही है। बाकी जिहड़े पैली वाले ने उन्हां दा इहदे विच आ रहा फाल्ट तो उन्होंने खिलाफ ही कार्रवाई होएगी जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੜਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੜਕਾ ਹੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਨਵਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਜੀ ਨਗੋਦਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਿਟਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।